ये जिम्मेवारी जो मुझे मिली है, ये इस दौर में मिली है जिस दौर में संघर्ष का सबसे बड़ा स्वरूप होता है, और मैं आप सबसे अभी तक ये अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, वार्ड अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, जिले के यूथ कांग्रेस के रूप में, प्रदेश युवक कांग्रेस से लेकर आज तक की इस यात्रा में एक निष्ठावान कांग्रेसी के स्वरूप मैंने जीने की कोशिश की, पर यह भावना कि आप सबके सहयोग बगैर, आप सबके आशीर्वाद बगैर, या मैं के बजाय हम सब मिलकर आगे की यात्रा कैसे हम सब करें, मैं मानता हूं हमारा सूत्र वाक्य यही होना चाहिए आने वाले समय के लिए कि मैं नहीं हम, और सामने की चुनौतियां क्या है मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। विधानसभा के चुनाव में हमारी पराजय हुई है, निराशा है हमारे सारे वर्करों में, लोकसभा का चुनाव सामने है, और परिस्थिति जिले और ब्लॉक की क्या है मुझसे बेहतर, हमसे बेहतर आप सब जानते हैं। क्योंकि ऐसी कई बार परिस्थितियों का सामना हमारी पार्टी और आप सब ने मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो मूल विचार है कांग्रेस का, उस भावना जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक की उन्नति की यात्रा देश की विपक्ष की भूमिका के साथ देश की सेवा की, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में ये एहसास कराता है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय महासचिव जी की अनुमति से कि ये चर्चा है हम सब मिलकर करें, ये परिस्थितियां हैं, इसको हम सब मिलकर चर्चा के साथ आगे कैसे बढ़ें, हम सब एक ऐसा संवाद जिसमें मैंने कहा कि हम सबकी एक साथ सहभागिता बने और हम सब मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र और कुप्रबंध से लड़ें, एहसास ही नहीं होता है। जो भी पिछले 8-10 दिन में कार्यकर्ता यहां मिले, उन्होंने एक ही बात की कि पता ही नहीं था कि इतने बुरे हम हारेंगे, एहसास ही नहीं था, कैसे हार गए पता ही नहीं, माहौल तो अपना ही था, कह ही नहीं सकते हैं कि हम इतने बुरे हारेंगे। मतलब आम कार्यकर्ता को, मीडिया को, जितने सर्वे करने वाले हैं उन लोगों को, और जो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल डॉक्टर, सबको एहसास ही नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की हार ऐसी हुई। तो मैं आप सबसे, चूंकि चुनौती है, सब आप सब इस बात, इस भावना का आभास कर सकते हैं, हम सब मिलकर आज संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर क्या निष्कर्ष के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी करें, इस भावना को हम सब मिलकर जिएंगे। तो मैं मानता हूं आप सबका, चूंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ये युद्ध जिम्मेवारी मेरे को और उमंग जी को मिली है, पर ये मैं का कि न परिस्थिति है और न इस तरह के मानसिकता से मैं आपके बीच में हूं, मैं एक ही मानसिकता से आपके बीच में हूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ग्रुपिज्म क्या होता है, अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास बन गया, ये होगा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात मैं का कहीं भी एक शब्द का उपयोग नहीं होगा, कहीं भी जो भी परिस्थितियां बनेगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि नेत्र सामूहिक है, मैं मानता हूं कि इस भावना को हम सब जिए, और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि नकारात्मक पॉलिटिक्स से हम सब अब बचें। जो कानाफूसी होती है या जिस तरीके भी छोटी मोटी ग्रुपिज्म की बातें होती है, मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है, इसमें मेरा सहयोग, हमारा सबका सहयोग करें, इससे हमें बचना है, बुराइयों से एक दूसरे की बचना है, बीजेपी की बुराइयों से लड़ना है। तो मैं एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं, और नेतृत्व का आदरणीय राहुल जी का, ये अभी चर्चा और संवाद होगा, तो मैं मानता हूं ये सब बातें आएगी, पर मैं जी जी अध्यक्ष जी, तो मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आगे का जब हम संवाद करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो सारी बातें आएगी। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं,
और ये आप सबको अवगत भी इस अवसर पर कराना चाहता हूँ कि मेरी जो और उमंग जी की जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति में जरूर नेतृत्व और आदरणीय अध्यक्ष जी और राहुल जी का वरद हस्त तो था ही था, पर आप सबसे भी चर्चाओं के बाद मैंने कहा हम सब मिलके लड़ेंगे, हम आपके आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं और आपको आपके साथ होके ये जंग जीत सकते हैं। मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह आज भोपाल में हैं। आया बस आपके पास। उधर आगे पीछे हो जाए। पीसीसी मुख्यालय इंदिरा भवन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाध्यक्षों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। बैठक शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रभारी जितेंद्र सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने आज पीसीसी भोपाल में पूर्व राष्ट्रपति डॉशंकर दयाल शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राजीव गांधी सभागार में बैठक शुरू हुई। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेता, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों, संगठन मंत्रियों से विधानसभा चुनाव में हार के कारणों एवं लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में छतरपुर के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने कहा कि पार्टी को अपने ही लोगों ने हरवाया है, संगठन में नियुक्तियां हो जाती हैं, प्रभारी को पता तक नहीं होता। आगे उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के टिकट जल्दी घोषित करें और बड़े नेताओं चुनाव लड़ाया जाए। कई जिलों में कुछ लोगों ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, कुछ लोगों को लगता है पार्टी उनके हिसाब से चलती है, सबकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। इस दौरान एक अन्य नेता ने कहा कि जिलाध्यक्ष या शहर अध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति विधायक, पूर्व विधायक की पसंद से की जाती है, वो लोग संगठन की बैठकों में आते नहीं, धरना प्रदर्शन चक्काजाम जिलाध्यक्ष के जिम्मे होते हैं, ऐसे में हार की जिम्मेदारी सबकी फिक्स होनी चाहिए।